तो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्योंकि अभी तक हमने थिन वायर्स ली, अब हम थिक वायर लेंगे। तो सपोज करो ये आपके पास एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है। इस इनफाइनाइट वायर के अंदर आई करंट जा रहा है, ये आई करंट जा रहा है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अंदर आप जब ये वायर देखेंगे साइड से, तो ऑब्वियसली सर्कुलर वायर है, अब मैं बना नहीं सकता क्योंकि वो फाइनाइट वायर तो है नहीं, इनफाइनाइट है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जस्ट बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल वायर है, ये क्लोज पाथ नहीं, एक्चुअल वायर का क्रॉस सेक्शन है। इस एक्चुअल वायर के क्रॉस सेक्शन में आई करंट जा रहा है, तो पहला रूल यहाँ तक क्लियर है। पर मेरे को इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है, कैपिटल आर है वायर का। मेरे को जो वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है बी की एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे निकालनी है। तो मेरे को बी यहां पे निकालना है। तो अगर मुझे बी यहां पे निकालना है या मुझे यहां पे निकालना है, कहीं भी ले लो, स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर नीचे जहां मर्जी ले लो, तो आप यहां पर क्या लेंगे, एक क्लोज्ड पाथ ये खुद बना लें, ये खुद बना लें। तो ये आपने क्लोज पाथ लिया, आप कहेंगे ये भी क्लोज पाथ है, हाँ ये क्लोज पाथ है, पर मुझे को यहाँ पे बी निकालना ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ बी निकालना होता, मैं ये ब्लैक कलर का क्लोज पाथ लेता। मुझे बी कहाँ निकालना है, स्मॉलर डिस्टेंस पे निकालना है, तो मैं क्लोज पाथ स्मॉलर डिस्टेंस पे लूँगा। जहाँ मुझे बी निकालना है, क्लोज पाथ उसी रेडियस में से पास होगा। अगर मेरे को यहाँ पे निकालना होता बी, तो क्लोज पाथ कैपिटल आर रेडियस का बनता। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है बी, तो मुझे स्मॉलर डिस्टेंस का क्लोज पाथ बनाना है। तो इसके अंदर करंट क्योंकि ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ये देखो ऐसे है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूँ, जैसे यहाँ पर बी वेक्टर मान लो डाउनवर्ड्स है, डी एल वैक्टर यहाँ पर है, तो बी और डी एल में एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो। तो मैं इस क्लोज्ड पाथ में अगर बी डॉट डी एल निकालूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस ऑफ ज़ीरो। वैसे एक बात बताऊँ, क्लोज पाथ में बी और डी एल में हमेशा ही एंगल क्या बनता है, ज़ीरो ही बनता है, बात ही खत्म। तो बी डी एल कॉस ज़ीरो, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या देगा आपको, टू पाई इंटू स्मॉल आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर विल बी इक्वल टू b इंटू कितना, 2πr, इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पर आपको b निकालना है, वहाँ आपने सर्कल ड्रॉ करना है स्मॉल r का, और वहाँ पर b इंटू 2πr ले लेना है। अब एम्पियर सर्किट लॉ कहता है ऐसे ना करें, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर ऐसे भी तो निकल सकता है, म्यूनो टाइम्स i। अब मैं करंट कौन सा लूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, मेरा क्लोज्ड पाथ कौन सा है, ये ब्लू कलर का क्लोज्ड पाथ है। जो मैं करंट लूंगा वो मैं इतने पोर्शन का करंट लूंगा जो करंट इसमें से पास हो गया, क्या ये स्टेप क्लियर है। मैं टोटल करंट नहीं लूंगा, मैं इतने पोर्शन का करंट लूंगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। क्योंकि जैसे गॉस थ्योरम नहीं थी, क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना चार्ज है, एम्पियर सर्किट लॉ भी क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट है, सारा करंट नहीं लेना, आई करंट तो पूरी वायर का करंट है, आपको सिर्फ शेडेड करंट लेना है। शेडेड करंट्स निकलते कैसे हैं इसको देख लें। अगर मैं पूरी वायर लेता, पूरी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो उसमें करंट कितना जा रहा है, आई। अगर 1, तो आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। और अगर ये पोर्शन देख रहे हो, इस पोर्शन में पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर है, तो I डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, I डैश की। तो कहने का मतलब ये जो येलो कलर में करंट जा रहा है वो कितना है, I डैश है। तो मैंने एरिया वाइज ले लिया, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या कहती थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर में करंट आई है, 1 में इतने, और इसके अंदर पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर में इतने। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, B डॉट डी एल वैक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश की वैल्यू आएगी, I बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से आ गया B डॉट डी एल,
इक्वेशन नंबर टू से आ गया बी डॉट डी एल, इन दोनों को इक्वेट करके बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसको करना कैसे है यहां से ज्यादा समझ में आएगा। अब समझो, ये मान लो आपके पास एक ब्लू कलर की एक्चुअल वायर है, फिर समझो एक बार, ये ब्लू कलर की वायर है, आपको इसमें आई करंट दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना गिवन है, कैपिटल आर है, ये पेंसिल में जो बना रखा है डार्क पेंसिल, ये इसका रेडियस क्रॉस सेक्शन है, ये रहा कैपिटल आर है। मेरे को बी कहाँ निकालना है, इसके इनसाइड निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस में निकालना है, तो मैंने मैंने क्लोज्ड पाथ कहाँ लिया ऑफ रेडियस, स्मॉल आर ले लिया, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने क्या कहा बी डॉट डी एल क्या होगा, बी इंटू टू पाई स्मॉल आर, और इसके अंदर सपोज कितना करंट जा रहा है स्मॉल आर पोर्शन में आई डैश, मैंने आई डैश को कैसे निकाला, अगर टोटल वायर का क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है तो करंट आई है वन है तो इतने पाई स्मॉल आर स्क्वायर में तो इतने, तो इस आई डैश को उठा के यहां पुट कर दिया, यहां पुट करके बी डॉट डी एल ये भी, बी डॉट डी एल ये भी, दोनों को इक्वेट करके स्मॉल आर इक्वेट करके बी की वैल्यू आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बी का फॉर्मूला, इसमें ये लिखें, और बी के फॉर्मूले में, बी के फॉर्मूले से पहले एक और चीज नोट कर लें, किसी भी वायर के इनसाइड बी का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, सही है यहां तक स्मॉल आर है। और अगर मेरे को क्वेश्चन आ जाए कि मेरे को इस वायर के बाहर बी निकालना है, यानी कि अब सेकंड केस है कि बी कहां निकालना है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब यहां पे निकालना है, तो अगर अब मुझे वायर अंदर रह गई बी बाहर है, मुझे अगर यहां बी निकालना है तो मैं क्लोज्ड पाथ अब बाहर लूंगा ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और फिर से पहला स्टेप क्या लूंगा बी इंटू डॉट डी एल बी इंटू टू पाई स्मॉल आर, इस बार क्लोज्ड पाथ बाहर बनेगा, इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट है, क्लोज्ड पाथ तो काफी बड़ा बन गया, इसके अंदर टोटल का टोटल करंट बाहर निकल रहा है कितना आए, इसमें तो टोटल करंट आई बाहर निकल रहा है, क्लोज्ड पाथ बड़े जिसके अंदर पूरी वायर एंटर कर जाएगी, तो म्यू नॉट इनटू आई, इसे इसे इक्वेट किया बी की वैल्यू आ गई, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, टू इंटू टू फोर, ये आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया इनफाइनाइट वायर का। तो अगर आपका कोई पॉइंट कहां पर है, वायर के बाहर है, फिर तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट वायर के अंदर है तो ये वाला फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं आएगी सीबीएसई में, सिर्फ फॉर्मूले एंटर करने हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कोई प्रूफ नहीं आएगा। तो बी का फॉर्मूला आउटसाइड क्लियर है, बी का फॉर्मूला इनसाइड क्लियर है, बी की वेरिएशन मार्क करने को आती है, किसी भी वायर के अंदर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये ग्राफ मार्क करना है, दो फॉर्मूला नोट करने हैं, तो एक ये फॉर्मूला नोट करो, थिक वायर के अंदर, थिक वायर के बाहर, और अगर सरफेस के ऊपर आ जाए तो इसमें स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। तो प्लीज ये दोनों फॉर्मूलाज को नोट करें और स्पेशली ये फॉर्मूला नोट करें।